जय हिंद वॉरियर्स। 16 दिसंबर 1971 का वो दिन जिसे विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं क्या है विजय दिवस? भारतीय सेना का वो पराक्रम जिसकी पूरी दुनिया कायल हो गई। उस मेजर कुलदीप सिंह की कहानी जिस पर बॉर्डर मूवी बन गई। उस सैम बहादुर की विवाह की जिससे पाकिस्तान की धरती हिल गई। उस मुक्ति बानी की दहाड़ जो बांग्लादेश की नींव भर गई। तो इस विजय दिवस हम लेकर आ रहे हैं डिफेंस अड्डा 24/7 चैनल पर एक ऐसा लाइव इवेंट जिसमें हम मनाएंगे आप सभी के साथ भारतीय सेना के सबसे बड़े जीत के जश्न को। तो जुड़ना ना भूलें सुबह 11 बजे 16 दिसंबर को। हेलो हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी प्यारे छात्रों का अड्डा 247 डिफेंस चैनल पे मैं अंकित सोलंकी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का सेशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि सर CDS में जो हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन आएगा, जो हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बड़ा ही बच्चों के दिमाग में ये डायलमा रहता है कि सर हम लोग CDS के साथ साथ FCAT भी देते हैं, FCAT में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम 100% कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन वो अटेम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन CDS के मैथ्स के क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है और समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए और किन क्वेश्चन को स्किप करके हम आगे बढ़ के अगले सवाल पे जाएं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसे कि आपको पता है कि CDS में जितने भी प्रश्न आते हैं वो 3 वर्ग में बांटे जाते हैं। पहला आपका होता है ईजी। क्लियर, ध्यान से बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। दूसरा आपका होता है मीडियम और तीसरा आपका होता है हार्ड। ठीक है, अगर आप CDS का कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ मतलब कि ये इतना नॉर्मल होता है कि अगर आप अच्छे से तैयारी किए हो, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी है, तो आप बड़े आराम से कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं। क्लियर, अब बात ये आती है कि सर मैक्सिमम बच्चों का कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता, ऐसा क्यों होता है सर? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमने जो पढ़ा है ये अप टू मार्क है कि नहीं? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमने जो पढ़ा है वो किस भांति से, किस प्रकार से पढ़ा है। ठीक है, होता यह है बच्चों कि CDS के जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम बच्चे, मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि 95% स्टूडेंट जो होते हैं वो ईजी वाले क्वेश्चन को तो कर ले जाते हैं। क्लियर, 50% क्वेश्चन, 50% जो बच्चे होते हैं वो मीडियम लेवल के क्वेश्चन को भी कर ले जाते हैं। ठीक है, मतलब कि यहां तक तो लड़ाई ठीक ठाक है, लेकिन जो आपका रैंक डिसाइड करता है, जो आपको मतलब कि अच्छे अंकों से पास कराता है, वो होता है ये। अब इसमें हमारे दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है कि ऐसा पोर्शन जिनको आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना होता है, मतलब कि या तो वहां पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा या वो क्वेश्चन इतने लंबे चौड़े होंगे कि पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो स्किप वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, वहां पे बेटर ऑप्शन ये है कि आप उसको मतलब कि एक बार पढ़िए, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे टाइम ज्यादा लेगा, आप उनको वहीं पे स्टॉप करिए, आप आगे बढ़ जाइए। बात समझ में है? क्योंकि एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि समय बचाते हुए प्रश्नों को एक्यूरेटली हल करना। क्लियर, क्योंकि वहां पे समय की पाबंदी भी बहुत ज्यादा होती है, समय भी आपको समय का भी पूरा ध्यान रखना होता है, और जिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उनको सही अटेम्प्ट करना है, ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्लियर, तो एक होता है कि भैया चलो ठीक है बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, इनको स्किप करके हम आगे बढ़ जाते हैं, और एक हमारा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि ऐसे क्वेश्चन जिनको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, आराम से पढ़ना होता है, देखने में वो भयावह लगते हैं लेकिन वो भयावह होते नहीं है। बात समझ में आया? बस वहां पे क्या करना है कि फोकस होके क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे और जो बातें वहां पे दी हुई हैं उन बातों को अगर हम लिखते जाएंगे और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उन क्वेश्चन को हम कर लेंगे। क्लियर, और यहीं पे हमारा डिसाइड होता है कि भैया हम कितने अंकों से
पास होने वाले हैं, कितने अंकों से हमारा पेपर क्लियर होने वाला है। बात समझ में आई? लड़ाई यहां पे नहीं होती है, इजी और मीडियम में नहीं होता है, क्लियर। अब बात ये आती है कि सर ये हम पहचानेंगे कैसे कि कैसा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन मीडियम है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है। ध्यान से अब सुनिएगा, ये तो मैंने आपको बताया कि पेपर का हमारा प्रारूप किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना होता है। ध्यान से सुनिए, किस प्रकार से प्रश्नों को हम देखेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि सर जब हम प्रश्न के ऊपर अप्रोच बनाएंगे, ठीक है, तो हमारा अप्रोच कैसा होगा जिससे हमको ये अंदाजा लग जाए कि ये जो प्रश्न है वो बिना कलम उठाए करने वाला है, ठीक है। इस प्रश्न में हम कम से कम टाइम देंगे, इस प्रश्न का जो बचा हुआ समय है वो अन्य प्रश्नों में हम लगा देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी, अगर ये आपको पहचानना है कि कौन सा इजी लेवल का क्वेश्चन है, कौन सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, कौन सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो इसकी पहचान आप तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी होगा, जब हर एक चीजों में आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़े होंगे। देखो मैथ्स को लेके हमारे दिमाग में मिथ ये होता है कि भैया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछ रहा है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब ये हो गया कि हमको ट्रिक्स याद हैं, ठीक है, हमको शॉर्टकट याद है, को तो क्वेश्चन को हम कर ले जाएंगे। और यहीं पे हम सीडीएस जैसे पेपरों में मात खाते हैं। अगर इस मिथ के साथ हमने मैथ को पढ़ा है कि भैया मैथ्स का मतलब हुआ कि शॉर्टकट हमको पता हो, ठीक है, हमको फॉर्मूला पता हो, क्वेश्चन को हम कर ले जाएंगे, इम्पॉसिबल है। सीडीएस में जो मैथ्स पूछता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन नहीं पूछता। ये जैसे जब हम बचपन में मैथ्स पढ़ा करते थे, फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर के बारे में, तो दो बातें होती हैं, एक नेचुरल नंबर का डेफिनेशन, दूसरा उस डेफिनेशन से निकला हुआ उसका प्रॉपर्टी। अब एग्जाम में सीडीएस जब प्रश्न बनाता है तो डेफिनेशन पे प्रश्न नहीं बनाता, इनकी प्रॉपर्टी पे प्रश्न बनाता है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी आपको तभी क्लियर होगा जब आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बात समझ में आया? तो सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको करना क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी कहने का मतलब यह है कि मैथ को मैथ की तरह पढ़ें, मैथ को मैथ की तरह पढ़ें, ठीक है। अभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि मैथ्स को मैथ्स की तरह नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ें, इस बात का हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर गणित को गणित की तरह नहीं पढ़ोगे तो सीडीएस का पेपर मेरे प्यारे बच्चे, खासकर गणित का पेपर आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आपने जीएस का जो पोर्शन है, इंग्लिश का जो पोर्शन है, आपने उसको एक ट्रेडिशनल वे में पढ़ा है और आप उसका वो आप निकाल लेते हैं, क्लियर हो जाता है, लेकिन गणित में वो चीजें नहीं चल पाएंगी। अगर आप गणित में जिस तरह जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए हम पढ़ते हैं कि भैया चलो ठीक है कि आप बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली जाएं, आप फॉर्मूला लगा के सवाल हल कर दिया जाए, तो ये यहां पे ऐसा काम नहीं बनने वाला। बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी करना है, मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ना है, चीजों की समझ होनी चाहिए। जब गणित का कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो सबसे पहला टारगेट आपका ये नहीं होना चाहिए कि भैया जल्दी से हम उत्तर लगा के आगे बढ़ जाएं, नहीं, वहीं पे आप गड़बड़ करोगे। एग्जामिनर को पता रहेगा कि आपका पैर कहां पे फिसलने वाला है, क्लियर। कम से कम जब प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न को आप सोच पाएं, और ये चीज मेरे प्यारे विद्यार्थी डायरेक्ट परीक्षा भवन में नहीं हो पाएगा, उसकी शुरुआत आपको अभी से करनी होगी। अभी से अगर आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स को ध्यान से आपको समझना होगा, कोई भी तथ्य अगर आप गणित में सुनते हैं तो उसको आपको सोचना पड़ेगा, उसको आपको चिंतन करना पड़ेगा, और कब क्यों कैसे जैसे प्रश्न अपने दिमाग में आपको लाने पड़ेंगे, तब उसमें जाके आपका लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। बात समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थी? और जब कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी होगा, मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़े होंगे, तब आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न हमारा इजी लेवल का है, कौन सा प्रश्न हमारा मीडियम लेवल का है, और कौन सा प्रश्न हमारा हार्ड है। बात समझ में आया? और जब प्रश्न आपके समक्ष आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, ठीक है। क्या अप्रोच है हमारा पहला मेरे प्यारे विद्यार्थी? रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। देखो
यूपीएससी सीडीएस का जो प्रश्न आपका आता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये हमेशा अपनी भाषा में आपको फंसाना चाहता है, और खासकर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये जो प्रश्न होते हैं ये हमेशा अपनी भाषा में उलझा के, ठीक है, भाषा कुछ इस प्रकार से होंगे कि वो बोलना चाहेगा कुछ और, ठीक है, आप समझ रहे होंगे कुछ और, लेकिन अगर आप ध्यान लगा के प्रश्न को पढ़ेंगे तब उसका सही मतलब निकल के आएगा कि प्रश्न हमसे बोलना क्या चाहता है। इसीलिए अगर मान लो आपने ये टाइम तय किया है कि भैया हमको एक प्रश्न पे 50 सेकंड अगर देना है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस 50 सेकंड का मेजर टाइम आप प्रश्न को पढ़ने में लगाइए। 50 सेकंड में से 30 सेकंड आप लगा दीजिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के लिए, और जब प्रश्न की समझ आपको हो जाएगी, आप समझ होगी कैसे, ठीक है, प्रश्न को हम समझेंगे कैसे, ये भी बड़ा प्रश्न आ जाता है। तो भैया कभी भी जब आप प्रश्न को पढ़ो ना, तो तीन क्वेश्चन अपने दिमाग में रखो, प्रश्न में क्या दिया है, क्या दिया है, क्लियर, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, और जो दिया है और जो पूछ रहा है उनके बीच का हम रास्ता कैसे तैयार कर सकते हैं, क्लियर। और जैसे ही आप इस रास्ते की खोज करोगे सॉल्यूशन आपके समक्ष आ जाएगा, बात समझ में। और फिर वही बात आती है कि रास्ता वही देख पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बात समझ में आया। सीडीएस में कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जहां पे आपको लगता है कि भैया बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, बहुत ज्यादा गुणा भाग करना है, लेकिन आपको पता है कि आपका जो पेपर होता है वो एमसीक्यू होता है, तो यहां पे ऑप्शंस की भी आप भरपूर मदद लिया करें, ठीक है। ऑप्शन का अगर आप मदद लोगे तो इतना मान के चलें कि 30-40% सवाल ऐसे होते हैं जो भरपूर ऑप्शन की मदद से ही हल हो जाते हैं, और ऑप्शन एक ऐसा मतलब कि औजार होता है जो आपको आइडिया दे देता है कि अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो इस मतलब कि आप रास्ता ऐसे बना सकते हैं, बात समझ में आया। कभी भी अगर बड़ा मल्टीप्लिकेशन आए, अगर आपको ऑप्शन में दिखे कि भैया सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप यूनिट डिजिट के साथ खेल जाइए, ठीक है, बड़ा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो इस बात का भी और ध्यान दीजिएगा, अप्रोच नंबर टू टू सॉल्व मैथ्स क्वेश्चन वेरी इजीली, कि आप ऑप्शन का मदद लें, ठीक है, और कैलकुलेशन से आपको बचना है। एक बात और ध्यान देना, कई छात्र क्या करते हैं जब गणित को लगाते हैं ना, तो हर जगह उनका हर स्टेप पे वो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन से मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको बचना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमेशा कोशिश किया करो कि कैलकुलेशन आप एकदम लास्ट में करिए। कैलकुलेशन लास्ट में करने का यह फायदा होता है कि जब आप एक एक स्टेप दिमाग में बनाते जाते हो ना, और अंतिम में जब आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो, तो मैक्सिमम कैलकुलेटिव पार्ट जो होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और एक छोटे से कैलकुलेशन से आपका उत्तर आ जाता है, क्लियर। तो हर स्टेप पे कैलकुलेशन से बचिएगा, हर स्टेप पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। आप अंतिम तक ले जाओ और अंतिम निष्कर्ष जहां पे आप लिखते हो वहां पे आप कैलकुलेशन करिए। आप ये देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी कि बहुत ही छोटे कैलकुलेशन में आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, क्लियर। तीसरा अप्रोच आपका क्या होगा, अगर अभी तक आपने टेबल नहीं याद किया है, पहाड़ा नहीं याद किया है, तो कम से कम मेरे प्यारे विद्यार्थी 25 तक पहाड़ा आप जरूर याद कर लें, साथ में 50 तक स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये भी आप याद कर लें। अगर आपको याद नहीं होता तो कहीं भी गूगल वूगल से टीप के एक पेज पे लिख के जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे आप चिपका दें, और डेली कभी भी जब आप डेली भी जब आप सुबह उठें तो एक बार आप नजर उस पे जरूर मारें, या दिन भर में कभी भी जब आप फ्री हो तो एक बार आपकी नजर उस पे जरूर जानी चाहिए। और 80-90 दिन जो हमारी परीक्षा में परीक्षा के लिए बचे हैं, इतने दिन अगर डेली उस पेज को देखोगे तो वो आपको याद हो जाएगा, आपको ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, बात समझ में आया। चौथी बात मेरे प्यारे विद्यार्थी, हमेशा कोशिश करिएगा कि कैलकुलेशन को दिमाग में करें, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन को दिमाग में करते हो ना, और ये जितना जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये सीधे आपको परीक्षा भवन में अप्लाई करना है, नहीं, इसकी शुरुआत आज से ही आपको करनी होगी। अगर आज से ही इसकी शुरुआत करेंगे तभी इस चीज का आदत लग पाएगा, और तभी आप परीक्षा भवन में गणित के सवालों को कम से कम समय में आप लगा पाएंगे, बात समझ में आए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्लियर हुआ, ठीक है।
किसी का कोई डाउट होगा तो बताते रहिएगा, सेशन को शेयर वेयर करते रहिएगा, क्लियर? ठीक है। हाँ, एक बात और मैं बता रहा था, वही मैं बोलते बोलते कहीं और चला गया, तो मेरे दिमाग से मिस हो गया कि बोलना क्या था, बताना क्या था। पांचवी बात और, सबसे पहले तो कैलकुलेशन से बचना, ठीक है। कैलकुलेशन आप देखते भी होंगे, मैं भी जब आपको पढ़ाता हूं तो बहुत कम ही कैलकुलेशन मैं करवाना चाहता हूं, अंतिम तक खींच के ले जाते हैं और लास्ट में आप देखते होंगे कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाता है। एक आखिरी बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, कभी भी जब आप गणित को पढ़ें या गणित के सवालों को हल करें तो प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ उसका एक इमेज आप अपने दिमाग में बनाते रहें कि प्रश्न क्या कह रहा है, किस भांति ये आगे बढ़ रहा है, और जब उसका एक इमेज, इसका उसका एक फ्लो चार्ट, उसको जब आप विजुअलाइज करिएगा ना तो प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। प्रश्न की भावना आपकी भावना से मेल करेगी, और जब भावनाओं का मेल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो निष्कर्ष बड़े आराम से निकल जाता है। समझ में आया? तो प्रश्नों को विजुअलाइज करिएगा, अच्छे से उसको इमेजिन करने की कोशिश करिएगा, और साथ में कैलकुलेशन को कम करिएगा, ठीक है। जितना कम हो पाए उतना ज्यादा कैलकुलेशन करें। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल, ये जरूर याद करना, ये नहीं याद होगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं हो पाएगा, क्लियर। और साथ में एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबका आधार एक ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी, ठीक है। क्योंकि ये जो बातें मैंने की वो तब की जब आपका लॉजिक क्लियर होगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं रहेगा, जब चीजों को आप अच्छे से समझे ही नहीं रहोगे, जब जबरदस्ती आप गणित को पढ़े रहोगे, ठीक है, कि बस आपका टारगेट ये होगा कि भैया उत्तर आ जाए, उत्तर आ जाए, उत्तर लाना, ये जो तरीका होता है ना, ये अन्य परीक्षाओं में भले कुछ प्रश्नों में काम कर जाए लेकिन सीडीएस जैसे पेपर में ये काम नहीं करता, वहां पे आप मतलब कि ब्लास्ट हो जाएंगे, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी करिएगा, मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़िएगा अगर मैथ्स में बेहतरीन होना है तो। बात समझ में आया, ठीक है। और आपके जीवन का ये अंतिम 80 से 90 दिन, अंतिम 80 से 90 दिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये एक स्वर्णिम समय है। अगर ये 80 से 90 दिन आप मेहनत कर लोगे ना तो आने वाले समय में आप एक अधिकारी के रूप में दिखोगे, ठीक है। नहीं करोगे, अगर अटेम्प्ट बचा होगा तो फिर आपको आगे मेहनत करना पड़ेगा, क्लियर। और जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, जिनका हो जाएगा, वो आपसे पहले अधिकारी बन जाएंगे, ठीक है। तो अपने जीवन का ये 80 से 90 दिन मेरे प्यारे विद्यार्थी एक सन्यासी के तरह बस आप अपनी तैयारी में झोंक दीजिए, क्लियर। अगर बेहतरीन तैयारी होगी पक्का है सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और मैं फिर से एक बार आपको आगाह करना चाहता हूं कि ये एक अधिकारी का परीक्षा है, एक ऑफिसर रैंक का ये पेपर है, और कभी भी कोई बड़ी सफलता जो मिलती है ना वो आसानी से नहीं मिल जाती, इसके लिए बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके अंदर वो गट्स है कि इसका जो शुल्क है वो कड़ी मेहनत के रूप में एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ आप अदा कर सकते हैं तो वो सफलता आपकी होगी। अगर नहीं कर सकते हैं, बस सपना देख सकते हैं, तो बस सपना देखने से नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ में आया, ठीक है। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं कि आपको, आप सोच भी रहे होंगे कि सर आपने इतनी बातें तो बता दी, आप हम लोग के लिए क्या करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, डेली मैथ्स की क्लास में आप लोगों के लिए YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आता हूं, जो शाम को 5 बजे चलता है, ठीक है। मैथ्स का कोई भी प्रश्न अगर आपके दिमाग में आता हो, कोई भी प्रश्न अगर आपको परेशान करता हो, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो खुला दरबार है। मैं हर बच्चों से वहां पे बोलता हूं कि कहीं का भी आपका कोई भी गणित का प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, आप वहां पे आप भेजिए, मुझसे डिस्कस करिए, ठीक है। अच्छा प्रश्न होगा तो मैं YouTube के सेशन में लेके आऊंगा, ठीक है, या वहीं पे जितना बेहतरीन तरीके से हो पाएगा मैं वहां पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि जब आपको ये लगता है ना कि भैया गणित जैसे विषय में मेरे पीछे एक मेरा कोई बड़ा भाई, एक मेरा कोई मार्गदर्शक खड़ा है, तो आप पूरे हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ पाते हैं, और जो हम लोग के समय पर नहीं होता था। हम लोग के समय पर अगर सवाल लेके जाते थे तो पता चले कि समझ रहे कि नहीं, तो वो सब चीजें होती थी। और अगर आप
आप अपने दिमाग में रखोगे कि भैया गणित जैसे एक विषय के लिए हमारे पीछे हमारे बड़े भाई, हमारे एक मार्गदर्शक, हमारे एक अच्छे मेंटर अंकित सोलंकी सर खड़े हैं, तो गणित आपको फिर परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि भैया मेरे गणित के जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होते रहें, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बता दे रहा हूं, आप उसमें ये ज्वाइन हो सकते हैं। और कहीं का भी कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन हो आपके सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है, आप इस पर भेजिए। मैं इसको हमेशा देखता रहता हूं कि किसी बच्चे का कोई प्रश्न है कि नहीं, कोई डाउट है कि नहीं। ठीक है, डिफेंस स्पेस अड्डा स्पेस 247, इसमें आप जुड़ जाइएगा, ये मेरा ही टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इसमें जितने भी छात्र हैं सब मतलब कि गणित के लिए ही जुड़े हैं, तो इसमें आप लोगों को भी बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है ना, और साथ में यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासे मिलती ही हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम एक सीक्वेंस में अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 16 दिसंबर से एक बेहतरीन बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें सीडीएस मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये बैच आपका 16 दिसंबर से चालू हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके पास भरपूर समय है। आपको करना क्या है, अड्डा 247 के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, यहां पे आपको डिफेंस सेक्शन में जाना है बच्चों। डिफेंस सेक्शन में आपको दिखेगा डिफेंस महापैक। महापैक का फायदा यह होता है कि अगर आप एफकेट सीडीएस इन सब की तैयारी कर रहे हो तो एक महापैक ले लो, 6 महीने का है 2200 रुपए और 1 साल का है 3000 रुपए। ठीक है, और इस महापैक के अंतर्गत डिफेंस की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबकी तैयारी आप निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। मतलब कि उसके बाद आपको फिर कोई अलग से बैच वैच लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी जो अपकमिंग क्लास होगी आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। सीडीएस का भी लाइव क्लास करिए, एफकेट का भी लाइव क्लास करिए, सबका लाइव क्लास आप कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हो नहीं सर मुझे बस सीडीएस का ही बैच लेना है, मैं बस सीडीएस की ही तैयारी करना चाहता हूं, तो 16 दिसंबर से एक डेडिकेटेड बैच आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक बैच है आपका रिटन प्लस एसएसबी, ठीक है, रिटन प्लस एसएसबी का बैच है। इसमें रिटन और एसएसबी दोनों की तैयारी होगी मात्र 2500 रुपए में। अगर आप इस बैच में एनरोल होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको करना क्या है, यहां पे पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि एसएसबी लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट, वीकली मॉक टेस्ट, डाउट क्लास होगा, हर शनिवार को आपका डाउट क्लास होता है। ठीक है, पूरे वीक आपने जो पढ़ा है उसकी पूरी मतलब उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नीचे मेंटर्स का सेशन दिया होगा कि अगर आपको जानना हो कि हमको जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनका डेमो कैसा है, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका डेमो क्लास लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं। आपको बाई नाउ पे जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाई नाउ पे जैसे जाइएगा ये पेज आ जाएगा। ठीक है, इसको आप अप्लाई कूपन कोड पे जाएं, आप मेरा कूपन रेफरल कोड डाल दीजिएगा Y587, और आप इसको जैसे ही अप्लाई करोगे ना, Y587 को जैसे ही अप्लाई करोगे, आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थी रिटन और एसएसबी दोनों की एक साथ तैयारी करने के लिए ये बैच मात्र आपको पड़ेगा 2575 में। इसमें आप रिटन की भी तैयारी कर पाओगे और आप एसएसबी की भी तैयारी कर पाओगे। बात समझ में आया, अगर आप बस रिटन की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका ओनली रिटन का भी बैच है जो मात्र आपका 2000 या 1900 रुपए का है। आपको कूपन कोड क्या यूज करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, Y587। तो माय डियर स्टूडेंट आपके पास बेहतरीन मौका है। ठीक है, 16 दिसंबर से मतलब कि परसों से आपका ये बैच चालू होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन मेंटर्स के मार्गदर्शन में हम बेहतरीन तैयारी करें तो सुनहरा अवसर है आपके लिए। मन लगा के तैयारी करिए और 90 दिन के बाद एक अधिकारी के रूप में आप दिखें। क्लियर, और इसी शुभकामना के साथ अब अपने वाणी को विराम दूंगा। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।